हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज पे। गाइस, मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक धमाकेदार मूवी स्मॉरो। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साल 2802 में पृथ्वी से गए दो एस्ट्रोनॉट एडम और जैक अपनी स्पेसशिप में नजर आते हैं। वो दोनों अंटेनिस नाम के एक प्लेनेट के लिए उड़ान भर रहे थे। उस प्लेनेट के बारे में अफवाह है कि वहाँ पर इंसान मौजूद है। हमें ये पता चलता है कि एक खतरनाक वायरस ने महिलाओं को पृथ्वी पर पूरी तरह से बंजर छोड़ दिया है, इसलिए ये दोनों एस्ट्रोनॉट इंसानों के लिए एकमात्र उम्मीद हैं। उन दोनों का मिशन एंटेरिस की यात्रा करना और महिलाओं को ढूंढना है। कुछ ही टाइम के बाद जब स्पेसशिप एंटेरिस के पास आता है तो वहाँ अजीब ग्रेविटी फोर्स के कारण वे स्पेसशिप खराब हो जाता है। एडम और जैक इस स्पेसशिप पे पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सतह पे क्रैश हो जाता है। दोनों को काफी चोटें आ जाती हैं, लेकिन जैक को कुछ ज्यादा ही चोट लग जाती है। इससे पहले कि अंदर के धुएं में उनका दम घुटता, एडम जल्दी से जैक को बाहर निकालता है। फिर हम अंटेरिस ग्रह का व्यू देखते हैं। ये एक बंजर भूमि है जिसमें हर तरफ बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, जिसमें फसलों का कोई नामो निशान नहीं है। इसी दौरान एडम जैक के घावों को ठीक करने की कोशिश करता है और उसे भविष्य की सिरिंज का इंजेक्शन लगा देता है, जो कि उसे अपने आप ही ठीक कर देता है। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता था कि इस भूमि पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन कुत्ते की आवाज सुनकर उन्हें प्रेरणा मिल जाती है। तभी एडम उस आवाज का पीछा करना शुरू कर देता है। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसके हाथ में वो कुत्ता था। तभी एडम उस लड़के के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का काफी डर जाता है। स्नेक हेड पास में ही है, ये कहते हुए लड़का भाग जाता है और कुछ ही मिनटों में स्नेक हेड द्वारा वो लड़का पकड़ लिया जाता है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि स्नेक हेड महिलाओं को एक झुंड है जिन्होंने पुराने टाइप के कपड़े पहने हुए थे। वो जल्दी ही छोटे लड़के को पकड़ लेती हैं, लेकिन उसका कुत्ता भाग जाता है। दूसरी तरफ एडम उस जगह को घूमकर देख रहा होता है, तभी एक बड़ा सा भूकंप उसे हिला देता है। तभी वो अपनी हाईटेक घड़ी से जैक को फोन करता है और उसे भूकंप का स्कैन लेने के लिए कहता है। देखते देखते ही एडम एक मंदिर के सामने पहुंच जाता है। वह चुपके से उस मंदिर के अंदर घुस जाता है। अंदर बड़ी संख्या में महिलाओं के झुंड को देखकर एडम हैरान रह जाता है। वहां उसे ये पता चलता है कि इस ग्रह पे महिलाएं राज करती हैं और मर्दों को गुलाम बनने के लिए मजबूर किया जाता है, और उनमें से कुछ का प्रयोग प्रजनन के लिए किया जाता है। मंदिर के अंदर कुछ महिलाएं अपने सर्वेंट लॉर्ड से प्रार्थना कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि धार्मिक महिलाएं एक ऐसे ग्रुप के साथ संबंधित हैं जिसको टैक्सन चलाती है। उसी समय सर्वेंट लॉर्ड भी जमीन के अंदर से निकलता है। वो एक बहुत बड़ा कोबरा है। फिर हमारा परिचय ग्रह एंट्रेस की रानी सुमरो से होता है, जो ग्रुप के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर उस छोटे लड़के को वहाँ पर लाया जाता है। ये सब देख एडम बहुत हैरान है। तभी टैक्सन कहती है कि उस छोटे लड़के को सर्वेंट लॉर्ड के लिए बलिदान किया जा रहा है। यह सुन के लड़के की बहन ड्यू, जो कि टैक्सन के सैनिकों में से एक है, टैक्सन और उसके ग्रुप के लोगों से लड़ने लग जाती है। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि मंदिर के अंदर की महिलाएं दो ग्रुप में बटी हुई हैं। एक टैक्सन का काम करती है और दूसरी रानी का काम करती थी। डव अकेले लड़ना चालू रखती है और अचानक सर्वेंट लॉर्ड झपट्टा मार देता है और ग्रुप के सदस्यों में से एक को निगल लेता है। तभी टैक्सन अपने ग्रुप की महिलाओं को डव को पकड़ने का हुक्म देती है, लेकिन तभी रानी उन्हें रोक देती है और कहती है कि ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस था, और वो दोनों अपनी अपनी बहस में पड़ जाती हैं। इसी दौरान एडम को उसके दोस्त जैक का फोन आता है, जो कमरे में सभी को सचेत कर देता है। टैक्सन अपने सैनिकों को उसके पीछे जाने का आदेश दे देती है, लेकिन एडम अपनी बंदूक का इस्तेमाल कर भाग जाता है। इसी दौरान वो छोटा लड़का भी मंदिर से भागने में कामयाब हो जाता है। बाहर निकलते ही एडम और वो छोटा लड़का एक साथ हो जाते हैं और वो दोनों स्पेसशिप की तरफ जाते हैं। तभी एडम को टैक्सन की एक महिला द्वारा तीर मारा जाता है। फिर भी वो जैक की मदद से स्पेसशिप के अंदर चला जाता है, लेकिन तीर में जहर लगा हुआ था जिससे वो धीरे धीरे होश खो बैठता है। तभी रानी अपनी सेना के साथ आती है और टैक्सन को अपने ग्रुप के साथ जाने को कहती है। पहले तो वो मना कर देती है और कहती है कि पुरुषों को मारना पूरी तरह से कानूनी है, लेकिन जब सुमरो ने कहा कि वो रानी है और हर एक चीज पर उसका अधिकार है, तो वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रानी स्पेसशिप के अंदर जाती है और वो कुछ निकालती है और एडम में इंजेक्ट कर देती है,
जिससे उसकी जान बच जाती है। फिर एडम और जैक को रानी के महल में लाया जाता है। जैक एडम को बताता है कि जीएस स्कैन के द्वारा उसे पता चला कि ये ग्रह मर रहा है और इसमें भूकंप बहुत बार आते हैं। सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं और ये ग्रह खत्म हो जाएगा। फिर एडम को पूछताछ के लिए रानी के कक्ष में लाया जाता है। वो रानी को बताता है कि वो पृथ्वी ग्रह से आया है और उसका ये भी दावा है कि एंटेरिस के लोग पृथ्वी के वंशज हैं, क्योंकि कुछ लोगों को 1000 साल पहले एक टेराफॉर्मिंग मिशन पर भेजा गया था। उन्होंने पहले तो 100 सालों तक अपने काम की सूचना दी, फिर उनकी कम्युनिकेशंस बंद हो गई। पृथ्वी एक घातक युग से गुजर रही थी और इसलिए एंटेरिक पर उन्होंने अपने लोगों के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। ये सब सुनकर रानी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी वो इन दावों का समर्थन करती है क्योंकि उनके लेजेंड्स ने पृथ्वी ग्रह के नाम के बारे में बोला है। उनकी बातचीत के दौरान वो स्नेक हेड का टॉपिक सामने रखते हैं। तभी सुमरो ने बताया कि लगातार भूकंप के कारण लोग धर्म में लौट आए और तभी टैक्सन ग्रुप पावर में आ गया। वह एक शाही परिवार से आती है और उसका मानना था कि रानी बनना उसकी किस्मत में था, लेकिन जनता ने उसे नहीं चुना, इसीलिए वो अपने ग्रुप को इकट्ठा कर रही है ताकि एक दिन वो सिंहासन को छीन सके। जहाँ तक बड़े कोबरा का सवाल है, वो सिर्फ ऐसे ही दिखाई दिया। एडम ये सब सुनकर बहुत हैरान होता है और उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि ग्रह मर रहा है और सभी को तुरंत खाली कर देना चाहिए, लेकिन रानी इस बारे में कोई बात नहीं सुनती और वो अपनी बात को बदल देती है और बताती है कि मर्दों का एंटेरिस पे डोमिनेशन क्यों था। वो बताती है कि बहुत साल पहले मर्दों ने प्रकाश की एक बहुत बड़ी फ्लैश देखी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। उस दिन के बाद महिलाओं का यहाँ पर काबू है और अगर मर्दों को गलत पाया जाता है तो उन्हें मारना पूरी तरह से कानूनी है। फिर रानी एडम को एक पुरानी खदान में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे आदमी मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, यानी कि मर्दों को या तो बलि के रूप में या गुलामी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी प्रजनन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एडम इस जगह को बिल्कुल पसंद नहीं करता और जब वो अपनी बात रखता है तो उसे पीटा जाता है और वहाँ से ले जाया जाता है। जब गार्ड उसे वापस ले जा रहे थे तो टैक्सन के द्वारा उस पर हमला हो जाता है और टैक्सन का ग्रुप रानी के रक्षकों को मार देता है और एडम को पकड़ लेते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डव भी शामिल थी। जब वो अंतिम सांस लेती है तो उसका भाई उसकी हेल्प करने के लिए आता है। फिर एडम को टैक्सन के कक्ष में लेकर जाया जाता है जहाँ सर्फेंट क्वीन उसे अपने ग्रुप में शामिल होने को कहती है। वो उसे बहकाती भी है लेकिन एडम उसे साफ मना कर देता है और इसी दौरान दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। इससे पहले कि एडम को कोई नुकसान पहुंचता, रानी जैक और विन गार्ड की ड्रेस में वहां पर पहुंच जाते हैं। टैक्सन फिर लड़ने की कोशिश करती है लेकिन रानी टैक्सन एक ही मुक्के में उसे बेहोश कर देती है। सुरंगों के माध्यम से अपने रास्ते पर जाते हुए एस्ट्रोनॉट ग्रह की स्थिति पर चर्चा करते हैं और जैक सबको बताता है कि उनके पास पहले की तुलना में बहुत कम समय बचा है। रानी उनकी बातचीत को सुन लेती है और अपना लॉकेट निकालती है जिसमें एक विशेष प्रकार का तत्व होता है। उस तत्व को बर्न जोन नाम की एक जगह से निकाला गया था। वो वही जगह है जहाँ पर 1000 साल पहले पृथ्वी से एक स्पेसशिप उतरा था। ये बात सुनकर एस्ट्रोनॉट खुश हो जाते हैं क्योंकि अगर वो उस जगह पर पहुँच जाए और जहाज को किसी भी तरह शुरू कर लें तो वो वापस पृथ्वी पर जा सकते हैं। रानी भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती हैं। रास्ते में वो टैक्सन के गुंडों से बचके हुए जाते हैं और लोगों को आजाद भी करते हैं जिन्हें गुलामों के रूप में बंद कर दिया गया था। जब वो बाहर पहुंच जाते हैं तो रानी एडम से कहती है कि उन्हें अभी भी कई किलोमीटर की यात्रा करनी है क्योंकि बर्न जोन एक बड़ी पहाड़ी के पीछे है। सर्फेंट ग्रुप के होने के बावजूद जैक और एडम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। एडम रानी को उनके साथ चलने को कहता है और कहता है कि आप पृथ्वी पर ज्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन रानी मना कर देती है और कहती है कि वो लोगों पर शासन नहीं करती। इसी दौरान बहुत बड़ा भूकंप आता है जिस कारण वो सभी नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक आदमी का कंकाल आता है और जब जैक उसकी जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मृत्यु 900 साल पहले हुई थी, उसी समय जब इंसान एंटेरिस पे आया था। इसी के साथ उसे ये भी पता चलता है कि इस क्षेत्र में एक विस्फोट हुआ था और इसलिए ज्यादा आदमी मारे गए। ये सुन के रानी को ये पता चलता है कि ये वही चमक थी जो उनके पूर्वजों ने देखी थी, क्योंकि उस चमक का कारण नेचुरल था, यानी कि वो आदमी निर्दोष थे। इसलिए उनका धर्म जिसमें कहा गया था कि पुरुष खतरनाक और निकम्मे हैं, ये सब एक झूठ पर बनाया गया था। तभी एडम रानी को अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। फिर हम देखते हैं कि ग्रुप वर्ल्ड जोन के पास आता है जहां पर एक बड़ा सा स्पेस ड्रोन की तरह होता है। जैक और विन कंट्रोल रूम से इन
इंजन को फिर से शुरू करने की कोशिश करते हैं। एडम और रानी नियंत्रित करने के लिए दूसरे कमरे में जाते हैं। बहुत कोशिशों के बावजूद दोनों एस्ट्रोनॉट इंजन को चालू कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टैक्सन और उसका ग्रुप आ जाता है। दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन एडम हाईटेक गैजेट के साथ ज्यादातर महिलाओं को मार डालता है। अब सिर्फ टैक्सन बचती है और वो रानी को लड़ाई के लिए चुनौती देती है। फिर उनमें फाइट शुरू हो जाती है और रानी जीतने लगती है। लड़ाई के दौरान रानी उसको एक जनरेटर के ऊपर फेंक देती है, जिससे वो गिर जाती है। फिर भी टैक्सन हार मानने को तैयार नहीं है और वो रानी पर अपने चाकू से हमला कर देती है, लेकिन इस बार एडम उस पर फायर कर देता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उधर कंट्रोल रूम में जैक स्पेसशिप को शुरू करने में कामयाब रहा और अब स्पेसशिप उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये जानने के बाद कि अंटेरिस पे किसी भी अत्याचार के लिए पुरुष जिम्मेवार नहीं है और धीरे धीरे से ग्रह मर रहा है, रानी भी जैक एडम और विल के साथ धरती पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। जल्द ही स्पेसशिप उड़ान भर लेता है और अंटेरिस के सभी लोग हैरान होकर इस स्पेसशिप को देखते हैं, लेकिन एडम को बुरा लगता है उन लोगों को उनकी रानी के बिना देखकर, और वो रानी को कहता है कि वो सभी लोगों को जहाज के अंदर ले आए। तभी जैक कहता है कि एक खतरनाक भूकंप इस स्पेसशिप को खत्म कर सकता है, लेकिन एडम और रानी ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। रानी सुमरो स्पेसशिप से बाहर निकलती है और सभी को अंदर आने का आदेश देती है और सबको कहती है कि हमारा ग्रह मरने वाला है, इसलिए हम दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं। उस ग्रह में काफी अन्य लोग होंगे। ये सुनकर सभी लोग उत्तेजित हो जाते हैं और सभी जहाज में आने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। इससे पहले कि एडम और जैक इस स्पेसशिप को दूर ले जा सके, एक बड़ा भूकंप सभी को हिला कर रख देता है। जब वो बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत बड़ा कोबरा उनके जहाज पर हमला कर रहा है। ये देखकर एडम जैक को उड़ान भरने को कहता है और जैसे ही जैक ऐसा करता है तो स्पेसशिप से निकलने वाली आग से वो कोबरा मर जाता है और इसी के साथ स्पेसशिप उड़ान भर जाता है और हमेशा के लिए अंटेरिस ग्रह को छोड़ देता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।